नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। आज मैं आपके साथ राजश्री एक ऐसे विषय के साथ हाजिर हूँ जहाँ पर न केवल ये आपके और हमारे पॉकेट से जुड़ी हुई बात है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित कर रही है। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 में जब एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू की थी तब इसे टैक्स के मोर्चे पर सुधार का सबसे बड़ा कदम माना गया था। GST के वजूद में आने से रोजमर्रा की कई चीज़ों पर टैक्स की दरें बदल गईं। कारोबारियों को राहत की उम्मीद थी, वो शायद नहीं मिली, लेकिन उलझने कई गुना बढ़ी और जितनी राहत नहीं उतनी ज़्यादा उलझने। GST को लागू करने के पीछे 5 मकसद से महंगाई पर लगाम, अनुपालन बोझ कम किया जाए, टैक्स चोरी पर लगाम हो, GDP में इजाफा और टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। महंगाई के मोर्चे पर भले ही सरकार को थोड़ी कामयाबी मिली लेकिन घटती बढ़ती महंगाई ने उस सपने को भी तोड़ ही दिया है। लेकिन GST काउंसिल अभी भी GST में टैक्स चोरी को रोकने की कवायद में लगी हुई है। अब तो GST कानून हमारे देश में लागू हुए लगभग 5 साल होने को आए हैं। इस दौरान हमने इस कानून में कई बदलाव देखे हैं। सरकार लगातार सर्कुलर, अधिसूचना, इंस्ट्रक्शंस, प्रेस रिलीजेस जारी करती रही है। आज हकीकत फिर भी यही है कि इन नए नियम कानूनों की संख्या कानून की धाराओं से कई गुना ज़्यादा हो गई है। सरकार कानून का सरलीकरण करने की कोशिशें करती है लेकिन उलझने बढ़ती ही जा रही हैं। अब मामला इतना पेचीदा है कि GST के रिटर्न अब कारोबारी खुद नहीं कर सकता, उसे टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि ये आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। और चूंकि टैक्स प्रोफेशनल की मदद ली जाती है तो उसकी फीस भी भरनी पड़ती है। अगर हम GST में होने वाले बदलावों की बात करें तो इनका नाता 1 जनवरी की तारीख से विशेष जुड़ा हुआ है। सरकार हर वर्ष नए साल की शुरुआत की तारीख से ही ढेर सारे बदलावों को लागू करती है और ये सिलसिला पिछले कुछ वर्षों से लगातार चला आ रहा है। ऐसे में जो फिनेंशियल ईयर की परिकल्पना थी वो शायद अब ख़त्म होती जा रही है। अब तो ऐसा लगता है कि मानो सरकार इन बदलावों के माध्यम से करदाताओं को हर साल 9 वर्ष का तोहफा दे रही है, अगर इसे तोहफा कहा जाए तो। इसी क्रम में साल 2022 में भी कुछ अपवाद नहीं रहा और सरकार ने एक बार फिर से 1 जनवरी 2022 की तारीख को चुना और इस तारीख से कई बदलावों को लागू करने की घोषणा की गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट को GST का अपना हमेशा माना जाता रहा है। इसी इनपुट टैक्स ने नियमों में कमियों का फायदा उठाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई है, लेकिन इसे रोकने के लिए बनी एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बिना चेयरमैन के अस्तित्व में आज तक है। इस कमी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। उधर सरकार ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का दायरा बढ़ाया है, इसके मायनों को भी आज हम समझेंगे। और सरकार ने टैक्स आयुक्त की शक्तियों पर जो लगाम लगाई है अब उसको किस तरह से लिया जाए ये जानना जरूरी है। आयुक्त अब सरकारी नियमों के दायरे से बाहर जाकर जानकारी नहीं मांग सकता, लेकिन इसके बावजूद लगातार करदाताओं की परेशानी क्यों कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, ये समझना जरूरी है। हालांकि अक्सर देखने में आता है कि GST पर एक चक्र भी पूरा नहीं हो पाता। उपभोक्ता को बिलिंग की पूरी रकम मिलती नहीं है लेकिन उसे GST देना पड़ जाता है। इस कुचक्र से तमाम उपभोक्ता परेशान हैं। इतने दिनों के GST कानून के बाद आज भी GST के स्टेट बेंचों की कमी उपभोक्ताओं को भी और इस पूरी व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। इससे करदाताओं को न्याय मिलने में बेहद देर होती है। बात अगर IBC और GST के रिश्ते की करें तो जो IBC और GST के रिश्ते भी बड़े ही उलझे हुए से हैं। CIRP की सफलता पर आज तक सवाल हैं। सिर्फ 14% CIRP सफल रहे हैं, ऐसे में मात्र 36% क्लेम की ही रिकवरी हो पाई है। साथ में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बंदिशें सरकार ने जो लगाई हैं उसकी वजह से भी काफ़ी मामला उलझ गया है और पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। केस अगर NCLT में जाती है तो वहाँ पर वक्त पर केस सुलझ नहीं पाता,
टाइमलाइन फॉलो नहीं होता, परेशानियां कई हैं। आज हम जीएसटी आईबीसी के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लेकर आ रहे हैं और उनके साथ चर्चा करके समस्याओं को समझेंगे और राहत के रास्तों को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट ज़रूर आपको हम दिखाना चाहेंगे ताकि ये जो उलझा हुआ मसला है वो आपको समझ में आ सके, कैसे हमारी और आपकी जेब पर ये भारी पड़ता है और कैसे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को ये इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि न केवल अर्थव्यवस्था उलझ गई है बल्कि कानून भी उससे उलझा हुआ है। जीएसटी का सफर पिछले 4.5 साल में काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। जीएसटी लागू होने पर टैक्स से जुड़े सभी 17 तरह के कानून एक में मिल गए। इस प्रकार देश में सिंगल टैक्सेशन की व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले वैट शुल्क 14.5%, उत्पादन शुल्क 12.5% देना पड़ता था। सभी टैक्स मिलाकर उपभोक्ताओं को 31% टैक्स अदा करना पड़ता था। कई रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे, कई इंस्पेक्टर्स की भी जांच होती थी, जिससे लोगों को छुटकारा मिल गया है। लेकिन एशियाई देशों में भारत में जीएसटी दर सबसे ज्यादा है। विश्व में ये चिली के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जहां तक जीडीपी में ग्रोथ की बात है तो कहा जा सकता है कि जीएसटी लागू होने से 2% तक जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी घटकर -7.3% पर आ गई है। इससे पहले 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% दर्ज की गई थी। जब जीएसटी लागू हुआ था तो उम्मीद की गई थी कि प्रति महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कलेक्शन का ये आंकड़ा हासिल नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, अभी भी बड़े पैमाने पर लोग जीएसटी को लेकर उधेड़ बुन में रहते हैं। इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार इसे और सरल बनाने पर काम करे ताकि जिस मकसद से इसे लागू किया गया है वो पूरा हो सके। हालांकि अब धीरे धीरे इसकी खामियां दूर हो रही हैं। पिछले 4.5 सालों में सैकड़ों बार जीएसटी कानून में बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन उलझने कम नहीं हुई हैं, ना टैक्स की चोरी ही कम हुई है। ऐसे में जीएसटी की सफलता को किस पैमाने पर आके, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए आज हमारे पास बेहद खास पैनल है। हमारे साथ जस्टिस मुकुल शहरावत, पूर्व जज एनसीएलटी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कमल अग्रवाल हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं, सीए हैं। सुंदर खत्री साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं, आईबीसी एक्सपर्ट माने जाते हैं। और एमएम गुप्ता, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ एमएसएमई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले कमल आपके पास आऊँगी, क्योंकि जैसे ही जीएसटी या किसी तरह के टैक्स की बात आती है तो एक जो आम लोगों के सामने एक जो बात आती है वो ये है, उलझन और दर उलझन। जीएसटी जब लाया गया था और जब एक सपना देखा गया था कि वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी, आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि मामला और उलझता जा रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा अपने दर्शकों के हिसाब से बात करूं तो जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी की आत्मा मानी जाती रही है, वही आत्मा अब जो कर चोर हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए सबसे आसान रास्ता बन गया है। किस तरह से लेंगे आप जीएसटी की इस व्यवस्था को और आम लोगों की, खासकर व्यापारियों की दिक्कतों को? ये आपने बहुत अच्छा कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वाकई जीएसटी की आत्मा है, और जो जीएसटी का डिजाइन हमने 2016 में ड्राफ्ट लॉ में देखा था और उसके साथ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए थे, जिस तरह से जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 रिटर्न्स होंगी, और उसमें एक जो सप्लायर को सप्लाई करेगा वो कस्टमर के अकाउंट में उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि मेरे को ये सप्लाई मिली है या नहीं है, और वहां पर क्रेडिट लेने वाली सिचुएशन नहीं रही। तो इस तरह का एक बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है वो शुरू में बताया गया था, लेकिन जब 2017 जुलाई में ये जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया गया तो कानून तो इम्प्लीमेंट हुआ लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
और उसके बाद हम लगातार पैचवर्क करते रहे हैं और पैचवर्क की वजह से कुछ रिटर्न्स हमने जो शुरू में सोची थी वो हम लागू करेंगे वो नहीं हुई, उसकी जगह कुछ दूसरी रिटर्न्स आई, जो रिटर्न डिफरेंट रिटर्न्स में वो इंटीग्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो काफी जगह पर गैप्स रहे। और आप समझे अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं तो उसमें अगर आप पानी को फ्लो करें किसी भी सरफेस पे जिसमें छेद है बहुत सारे तो नेचुरली वो पानी उसमें से नीचे गिरता रहेगा। और जो टैक्स चोरी की बात है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई तो परपेचुअल है, वो हमेशा से रही है और मैं समझता हूँ हमेशा रहेगी जी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क हमने इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद आज वो समस्या नहीं रहती जी। बिल्कुल एमएम गुप्ता जी, आप कमल की इस बात से कितना सहमत होंगे? और खासकर मैं अगर जीएसटी की बात करूं और एमएसएमई के अगर जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित आज की तारीख में हमें दिख रहे हैं। हालांकि अब हमारे पास अगर उनके ऊपर टैक्स को लेकर जिस तरह से दबाव है, जिस तरह से चक्र पूरा नहीं होता जीएसटी का, उन सभी चीजों से निपटने के लिए क्या कोई खास ठोस आप उपाय देखते हैं? और सबसे बड़ी बात कि उपाय से भी पहले उनकी परेशानियों को आप कितना समझ पा रहे हैं? काशी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरह से अपने इनिशियल जो आपका एड्रेस था उसमें मैं समझता हूँ कि आपने जितने भी इश्यूज हैं उन सभी इश्यूज को कवर करने की पूरी कोशिश की। एमएसएमई की जीएसटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देखिए, हम समझते हैं कि एमएसएमई जो है वो उनका पेमेंट समय से नहीं मिलता था अपने सप्लायर, वो अपना कोई सामान दे देते हैं, वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और अधिकतर देखा गया है कि कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी से हो, पीएसयू से हो, लार्ज कॉर्पोरेट से हो या किसी दूसरी एमएसएमई से। हमने देखा कि जब गडकरी जी मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई के को देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि 5,00,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है इन एमएसएमई का दूसरे लार्ज कॉर्पोरेट। अब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी जीएसटी की आती है कि एक तो उसका अपना पैसा नहीं मिल रहा है और उसको ये कहा जाता है कि आपने जब बिल इशू कर दिया तब आपको जीएसटी का पेमेंट करना। इतनी बड़ी एक विपत्ति है, एक दुखद सी बात है जी। तो उसने अगर 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए तो उसको मिले नहीं, साथ में अपना 18 रुपए वो और अपनी जेब से और खर्च कर रहा है। ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम है एमएसएमई सेक्टर की, मैं समझता हूँ इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। आपने कहा कि भाई क्या सजेशन है, अगर पेमेंट उसका हो एमएसएमई का जीएसटी का उसको, क्योंकि जीएसटी क्या है, जीएसटी हमारा कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी जो टैक्स है वो एक सरकार के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं और सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं, यानी हमने बायर से लिया और वो सरकार के पास जमा कर रहा, हम केवल एक कलेक्टिंग एजेंसी, हमें टैक्स मिला नहीं है और वो सरकार कह रही है कि भाई ये टैक्स आप जमा कर दें, तो हमें अपना पैसा नहीं मिला और साथ में जो जीएसटी का पेमेंट है वो भी भरना पड़ रहा है। ये बहुत ही बड़ी एक समस्या है जी। लेकिन एमएम गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि जो जीएसटी रिफंड का मसला है वो भी एक अलग समस्या बनकर उभरती है हमारे सामने? जैसे मैं देख रही थी कि जो नया एमएसएमई एक्ट है उसमें न्यू जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम का भी ऐलान किया गया था। आखिर ये अगर इसको और मैं आपके मुंह से जरूर सुनना चाहूंगी कि आखिर ये न्यू सिस्टम क्या था और साथ में क्या इससे पेमेंट साइकिल भी प्रभावित हो रहा है और उससे थोड़ी राहत मिली है या इस क्या शिकायतें कम हुई हैं या फिर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए, हम ये कहेंगे कि सरकार शायद अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है जो भी चेंजेस लाने के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि रिफंड की बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है, इससे भी जो खास तौर से मैं तो एमएसएमई की अगर बात करूंगा तो एमएसएमई को इससे भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे आपके इस इंपॉर्टेंट चैनल के माध्यम से कि ये जो भी समस्याएं हैं एमएसएमई की, जीएसटी की, इतनी जितनी जल्दी हो सके इनका कोई समाधान किया जाए और जब अगर उनको पेमेंट नहीं मिलता तो उस में कम से कम जो बायर है वो उसको इनपुट क्रेडिट ले लेता है और ये बेचारे जो अपना पेमेंट है वो नहीं मिल पाता, जो इनके रिफंड के इशू है वो तुरंत इनका समाधान करना चाहिए। खासतौर से मैं राशि जी ये भी और कहना चाहूंगा कि जैसे इनकम टैक्स में खासतौर से अभी फेसलेस जो असेसमेंट शुरू हुआ है उसमें हमने देखा है कि उसमें भी बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि जो फेसलेस असेसमेंट है
सरकार ने शायद कोशिश तो की कि भाई चलिए करप्शन इससे शायद कम होगा, लेकिन वो फेसलेस जो असेसमेंट हो रहे हैं उसमें शायद वो जो एसएसटीज हैं या जो उनके एडवोकेट्स हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो शायद अपनी बात वहां समझा नहीं पा रहे हैं, वो उनकी समझ नहीं पा रहे हैं। लास्ट डेट में डिपार्टमेंट का ये होता है कि जब लास्ट डेट होता है और जब ये होता है कि बस अब बिल्कुल जो पीरियड है वो खत्म होने वाला है, लास्ट डेट 31 मार्च अगर है तो 30 मार्च को 29 मार्च को डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेज आते हैं, उनको कहा जाता है कि आप एक दिन में इसका जवाब दीजिए। एक साल तक से वो पेंडिंग पड़ा रहता है, एक दिन में उसको मांगा रहता है जवाब दीजिए, वो कोशिश करते हैं कि भाई आप हमें कॉन्स्टिट्यूट हर्ट दीजिए, वो होती नहीं है। ये जो सारी समस्याएं हैं मैं समझता हूँ ये काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक नई समस्या जरूर खड़ी कर रही है और इसका समाधान सरकार कोशिश कर रही है, पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खासतौर से एमएसएमई सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार का एक मेन एजेंडा है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जरूर कुछ और कोशिश करने की अभी। बिल्कुल जस्टिस मुकुल शरावत, अब जब ये सारी समस्याएं आ जाती हैं तो सरकार से तो चलिए एक अलग तरीके से उम्मीद की जाए या नहीं की जाए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो उम्मीद होती है वो अदालतों से होती है। अदालतों का दरवाजा जब हम खटखटाते हैं तो एक एनसीएलटी का एक ऐसा दरवाजा है जो सबसे ज्यादा मुखर है हम सबों के लिए, उन लोगों के लिए जो कारोबारी हैं जो उद्योगपति हैं। अब अगर मैं उस आंकड़े को देख रही थी तो अगर आप आईबीसी के परिप्रेक्ष्य में देखें कंपनियों की जो जीएसटी कंप्लायंसेज हैं वो कैसी रही हैं, किस तरह की परेशानियां रही हैं, अब नए इस पूरे जीएसटी युग में इसको मैं कहूं तो अब एनसीएलटी की जिम्मेदारी आप कितना देख पा रहे हैं और साथ ही किस तरह की उलझने वहां पर कारोबारियों को हो रही हैं? राइट, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस द इशू व्हिच इज नाउ रेज्ड इज द जीएसटी कनेक्टेड विद द इंसॉल्वेंसी matters. Sir. It is the first attempt by APN because this is a very relevant combination of two provisions, two acts which are to be seen in coherence. Sir. You see that once we have had one nation, one tax policy under GST regime from 2017, before that NCLT or insolvency provisions came in 2016. Now the question had come that what will happen once the resolution professional is appointed and what will happen to the GST, to the persons who have all the corporate bodies who have gone under insolvency. So this matching of this problem is a great issue which is decided by NCLT on number of occasions. The question is that how we are handling, how the courts are handling it. So the courts are handling it a little slowly, I can admit it, because various reasons. One of the reason is infrastructure. Secondly is the shortage of judges. But before that I want to say one thing very clear, that there in initial stages there were certain doubts about the GST compliances, sir, by all those corporate debtors who have gone under CIRP. So those issues have now stood settled, and now the GST compliances have to be made. We have here Mr. Kamal Agarwal, GST expert. He will agree with me that certain registrations, fresh registrations are required, and GST and input tax both are to be complied with. Sir. So this process is going on, and this law is evolving, in fact. So sir, the IBC law is evolving and GST law is evolving. Actually, so we are working hard. Sir, but I would like to add something here, sir, and corporate insolvency resolution process which we called CIRP, उसके भी सर कार्रवाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही थी। सितंबर 30th 2021 का आंकड़ा मेरे पास है, तब तक 73% जो है CIRP 270 दिन की जो डे की लिमिट थी डेज की वो उसके ऊपर जा चुका था। Do you think that this is another problem, sir? CIRP is not a good solution for this kind of problem?
there's two things. Sir. Yeah, I agree that there's a delay, but I also want to say, I disagree, CIRP is the solution. So, because of the reason that you see that under old regime such as DRT, BFIR or all these, we have tried all these attempts to recover the NPO debts. Now this NCLT has been formed and give a little more time to this organization, this institution. And in initial stages when there was influx of cases was not that high. So we were giving the time-bound results. And one thing through this channel I want to say is that time is the essence in corporate insolvency. But definitely at present, the situation is alarming. We have to move fast, and we are making all efforts. If I want to communicate through this channel that the present president of NCLT, chairman of the NCLT, they are inviting suggestions, and they are calling conferences of all the judges of the NCLT to speed up the matter. Secondly, the appointments, which we have discussed in this very forum earlier. Appointments or reappointments is the bigger issue, which is also going to be resolved very soon now. Fresh advertisement has made, the professionals are coming. More than 250 applications are now come for the job of judge of the NCLT. So it's an overwhelming response. And people, the professionals, experts, they want to join the NCLT to serve our nation. बिल्कुल सुंदर खत्री जी, एक बड़ा जो मसला है जो जस्टिस मुकुल शहरावत ने भी कहा कि जो आईबीसी के नियम हैं वो नियम जीएसटी के नियमों के ऊपर हैं. अब ये जीएसटी प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकते हैं, ये भी एक पूरा खतरा रहता है. अब ऐसे हालात में अगर हम देखें एज ए वकील, जब आप लोग इस तरह के मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आईबीसी के जो अन्य टैक्स लॉज के साथ एक टकराव है और कंपनियों और जो कंपनीज हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं इसकी वजह से भी बहुत लंबे समय तक समस्याओं का सामना करते रहते हैं? नहीं, देखिए इनिशियल पीरियड तो मैं कहूंगा था जी. जैसे एक 23 मार्च 2020 को एक सर्कुलर आया, जिस सर्कुलर के रेफरेंस दे के एक आईबीसी के अंदर हाउ टू डील विद द जीएसटी प्रोविजन विद द आईबीसी, वो स्पेसिफिकली एकदम क्लैरिफाई करता है हर चीज को लेके. अब आती है कि डिपार्टमेंट जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकता है अगर वो कंपनी सीआईआरपी में है. ये सर्कुलर अपने आप में स्पेसिफाई भी करता है. आपकी बात दुरुस्त करूंगा, क्योंकि सेक्शन 14 जो आईबीसी का है वो कहलाता है मोरेटोरियम. जैसे ही हम मोरेटोरियम डिक्लेयर हो जाता है तो ये जो कोरेसिव एक्शन, नो सूट इज मेंटेनेबल, ये सब चीजें पिक्चर में आ जाती है, तो इजीली एक रेजोल्यूशन की स्टेज एक स्टेज आगे बढ़ जाती है. और आपने जैसे ये बताया कि यस ओवरराइडिंग इफेक्ट आईबीसी के, जब एक बार अगर आईबीसी ट्रैगर हो जाता है तो नेचुरली आईबीसी के प्रोविजन प्रिवेल करते हैं ओवर एनी अदर लॉज. सो ये भी है. हालांकि जीएसटी डिपार्टमेंट से जनरली हमने ये देखा है कि जो क्लेम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं. और जब रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है या बनता है, जब हम इसको सीओसी से अप्रूव करके जब अप्रूवल्स के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं, जब तक बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है. और जहां तक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट की बात है, ये ऑपरेशनल डेट्स के रूप में होते हैं जो इनके जीएसटी ड्यूज होते हैं अगेंस्ट द कंपनी, जो कि कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी है या अंडर दी प्रोसेस सीआईआरपी के अंडर कंपनी है. तो वो कंपनी पे किस तरह से हम जीएसटी अमाउंट जो डिपार्टमेंट का ड्यू होता है वो एक्चुअली फिफ्थ रैंक पे आता है जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट में, जैसे कि सेक्शन 53 में, तो हम लोग उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं. लेकिन अब जहां तक अब हम जितनी भी केसेस कर रहे हैं, एब्सोल्यूटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती एज फार एज द जीएसटी डिपार्टमेंट इज कंसर्न नाउ ए डेज, बिकॉज 23 मार्च 2020 के बाद सर्कुलर आने के बाद डिपार्टमेंट भी अभी अवेयर है कि कब किस तरह से क्लेम फाइल करना है और किस तरह से अपने आप को आगे इन चीजों को बढ़ाना है. जो मेन प्रॉब्लम आती है कि जीएसटी की इटसेल्फ लिटिगेशन इज ए वेरी प्रॉब्लमेटिक.
क्योंकि अभी हमारे यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं नहीं, स्टेट ने अपने अपने अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो बेसिक जो एग्जीक्यूशन आती है कि हमें वहाँ पे डिसीजन नहीं मिल पाते हैं, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन। बिल्कुल। जीएसटी के ज्यादातर हम लोग रिट पिटीशन में जा पाते हैं, अभी तक ज्यादा कोई स्टेट जैकेट सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल पाया है जीएसटी लिटिगेशन को लेके। बिल्कुल कमल जी, यहाँ पर एक जब खत्री साहब बोल रहे थे तो एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था, जैसे बेंच की बात कही गई, अब इनपुट टैक्स की हम लोगों ने बात कही थी, शुरुआत किया था वहां से, अब इनपुट टैक्स की सिर्फ चोरी ही नहीं हो रही है बल्कि इनपुट बेनिफिट्स जो हैं वो पास ऑन भी नहीं हो पाते, किया ही नहीं जा रहा है, एक तरह से ये कहा जा सकता है। अब इन हालातों में किस तरह का नुकसान है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही अगर हम साथ में साथ ही एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी की बात करें, जैसे बेंच की बात कही खत्री साहब ने, उसका कोई चेयरमैन तक नहीं है, ऐसे में अगर कार्रवाई करने की बात हो तो कैसे करे कोई? तो राजश्री जी, दो सबसे पहले मैं खत्री साहब की बात में ऐड करूंगा, हालांकि सेंट्रल जीएसटी आप जानते हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट करती है, और जो सर्कुलर खत्री साहब ने कहा वो सेंट्रल जीएसटी वालों ने इशू किया, हालांकि वो दोनों के ऊपर लागू होता है। सेंट्रल जीएसटी वाले लोग उसको अच्छे से समझ गए, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टेट जीएसटी में अभी भी उसके काफी चैलेंजेस हैं, और दूसरा जो पुराने लिटिगेशन है जो स्टेट जीएसटी के ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है, वहां अभी जैसे जीएसटी की ओवरराइडिंग इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, वो अभी चीजें अच्छी तरह से नहीं समझी गई है। तो जैसे वैट के क्लेम्स थे पुराने, वहां अभी भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपने बात की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला जो पास ऑन नहीं किया गया, इसके ऊपर पहले दो या तीन साल में नेशनल प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने काफी अच्छा काम किया, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज मैं कहूंगा जो एमएनसी कंपनी थी कंज्यूमर गुड्स की, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई, उसके ऊपर काफी काम हुआ और काफी कंपनीज को अपने रेट्स भी कट करने पड़े। लेकिन पिछले दो साल से मैं कहूंगा जब से कोविड आया है उसके बाद से ये एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है। अगर आप देखें तो 18 में 19 में 20 में इसके काफी ऑर्डर्स पास हुए थे, लेकिन 21 में इतने ज्यादा ऑर्डर्स पास नहीं हुए, और मेरे ख्याल से एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी में अब चेयरमैन है, मेरे ख्याल से 91 बैच के एक IRS है जो अब चेयरमैन है, उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में इसकी कार्रवाई काफी स्लो हो गई है। पर बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो है वो उसमें पहले इन्होंने काफी ऑर्डर्स पास किए और बेनिफिट पास ऑन कराया गया। जी बिल्कुल, और लेकिन इसके बावजूद रिटेलर्स की समस्या है, एमएसएमई की जो हम बात कर रहे हैं उनकी अलग जो समस्याएं और भी हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एमएम गुप्ता जी, आपका आपसे मेरा ये सवाल इस भाग का, सबसे पहले जीएसटी रिटर्न की यदि हम बात करें तो उस पर भी जो जीएसटी रिटर्न का ड्यू डेट है उस पर भी कहीं ना कहीं गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा स्थिति को यदि मैं देख रही हूँ तो वो करदाताओं के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ्रेंडली नहीं कहा जा सकता, बहुत हद तक मैं इसको गलत कहूँगी, क्योंकि वे इनवॉइस मिलान से पहले ITC जो है इनकम टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, जिसकी तारीख को घटाकर 20 अक्टूबर अब कर दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी समस्या हो गई है। इसके अलावा जो दावा किया गया हो या दावा न किए गए ITC के क्रेडिट को की फाइलिंग की जो तिथियां हैं उसको भी किस तरह से तय किया जाए, ये एक हर करदाता के मन में एक ये सवाल है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं देखिए राशि जी, मैं तो ये कहूंगा कि काफी कुछ जीएसटी में खैर काफी कुछ चीजें अब बदलाव आ गई और काफी कुछ स्ट्रीम लाइन हो गया है जो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग है या पेमेंट का सिस्टम है, और मैं साथ में हम खाली कमियों की तरफ ना देखकर अगर हम ये कहें कि काफी कुछ जो अभी जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं वो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ अब लोगों को समझ आने लगा है कि किस तरह से रिटर्न हमें फाइल करनी है, कैसे इनपुट क्रेडिट मिलेगा। एक एक वो समस्या जो मैंने आपको कहा कि भाई ये तो समस्या जरूर रहती है कि हम जीएसटी का या मूल हमें बिल का पेमेंट नहीं मिला और साथ में हमें जीएसटी का पेमेंट और करना पड़ता है। यहाँ अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं IBC के बारे में भी इसको अगर कुछ
लिंक करना चाहूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था एमएसएमई सेक्टर के लिए. ठीक है, ये जो आईबीसी है वो कोई रिकवरी कोर्ट नहीं है, बट ये हमने देखा है पास्ट में कि जब भी कोई एमएसएमई अगर किसी लार्ज कॉर्पोरेट से 1 लाख रुपए से ज्यादा का भी डिफॉल्ट होता था और वो आईबीसी में जाते थे, तो न जाने कितने केसेज ऐसे हुए हैं जहां पर उनका सेटलमेंट शायद शुरू में ही हो गया है. अब जब इसकी सीमा एकदम से 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है, यानी 100 टाइम्स इसकी लिमिट कर दिया था, सो लिमिट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, सबसे शायद ये एमएसएमई जो है, क्योंकि इनका जो बिल होता है वो बहुत कम ऐसे एमएसएमई होंगे जिनका एक कोई जो आउटस्टैंडिंग है किसी एक कंपनी के ऊपर 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता है. सबसे मैं समझता हूँ कि इनको दो तरफ से मार पड़ने लगी है इन एमएसएमई को. एक तो ये हुआ कि जो इनका पैसा जो इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के माध्यम से जो ऑनरेबल एनसीएलटीज एनसीएलए है उनके माध्यम से शायद काफी जल्दी उनकी रिकवरी हो पा रही थी, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर को ये डर लगता था कि अगर ये हमारा केस एडमिट हो गया तो उसकी जो बहुत ही भयानक परिणाम होंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाएंगे, जो डायरेक्टर है वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो डर अब शायद ये 1 लाख से 1 करोड़ होने की वजह से ये थोड़ा कम हो गया है. दूसरी तरफ से जो इन एमएसएमई को मार पड़ रही है वो ये है कि जो भी केसेज हैं, जैसे आपने भी बताया कि जो डिले हो रहा है इन केसेज में, या जो वाटरफॉल मैकेनिज्म की बात हुई सेक्शन 53 की, जो सुंदर खत्री जी ने बताया कि भाई इनका जो वाटरफॉल मैकेनिज्म में दे आर एट द बॉटम इन पे, और हमने जितने भी केसेज देखे हैं आप अगर देखेंगी जो जहां पर भी लिक्विडेशन है या रेजोल्यूशन है वहां पर ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं जो खासतौर से एमएसएमई है उनका जो पेमेंट है उनको कोई पेमेंट मिल नहीं पाता, कहीं 1% मिल रहा है, कहीं 5% मिल रहा है, और इसका जो इम्प्लीकेशन जो होगा वो ये होगा कि ये जो एमएसएमई है इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं बैंक से लोन ले रखे हैं. जी बिल्कुल. ये जो बैंक से लोन इन्होंने ले रखे हैं वहां पर इनको अपना डिफॉल्ट होगा, इनकी जो रिकवरी है उसमें प्रॉब्लम होगी. तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो एमएसएमई है उनकी एक बहुत बड़ी एक डिमांड है कि या तो उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बराबर में रखना चाहिए या उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जो इनकी आउटस्टैंडिंग है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेज. अगर ऑपरेशन क्रेडिटर्स के लिए कुछ एक फंड ऐसा अलोकेट कर दिया जाए, और ये भी देखा है कि बहुत सारे केसेज में जहाँ एमएसएमई के लिए इनकी जो फैसिलिटेशन काउंसिल है या कहीं और जगह से उनको अगर अवार्ड भी मिल गया है तब भी वो सबसे बॉटम में रहते हैं, तो उनका जो पेमेंट है वो बेचारे दोनों तरफ से मर रहे हैं कि जो उनका पेमेंट है जो आईबीसी के थ्रू रिकवर हो रहा था वो अब क्योंकि 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की लिमिट कर दी गई है तो उसमें उनको दिक्कत है. और साथ में जब कोई बड़ी कंपनी चली जाती है इंस्टॉलमेंसी में और वो चाहे उसका रेजोल्यूशन हो या लिक्विडेशन हो, उनका जो शेयर है वो बहुत ही कम उनको मिल पाता है, उसकी वजह से उनको अपना बिजनेस करना शायद बहुत मुश्किल हो रहा है. बिल्कुल. खत्री साहब, आपसे ये जवाब जरूर जानना चाहूंगे कि अगर हम आईबीसी के तहत जब हम कर्जदारों के पैसे की वापसी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनकम टैक्स विभाग को पैसा सबसे अंत में मिलता है. अगर देखा जाए तो प्रायः ये 5वें स्थान पर पैसा मिलता है, बाकी सब पैसे पहले बन जाते हैं, ये 5th नंबर आता है इनकम टैक्स के पैसे मिलने का. इससे न केवल सरकार को, कंपनियों को नुकसान होता है बल्कि सरकार को भी नुकसान होता है, और जीएसटी विभाग जो है इस वजह से भी एनसीएलटी में अपील फाइल करने में देरी करती है कि भाई किस लिए जाना है. क्या आपको लगता है कि इसके लिए कोई अपीलेट बॉडी अब बनाई जानी चाहिए, कैसे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए जिससे आसानी से ये सारी समस्याएं जो गुप्ता जी ने भी उठाई है उसका भी हल किया जा सके? देखिए, जो सारे का सारा प्रोसेस आईबीसी का है वो फाइनेंशियल क्रेडिट ड्रिवन है, ना कि ऑपरेशनल क्रेडिट ड्रिवन. थोड़ा है बट एक्चुअली नॉट इतने, यू नो, एंटायर प्रोसेस फाइनेंशियल क्रेडिट से डिपेंड करता है. अब जहां तक अमेंडमेंट की बात है, यस, एनसीएलटी ने बहुत सारे डिसीजन ऐसे दिए हैं जहां पे ऑपरेशनल क्रेडिट के इंटरेस्ट को पूरा प्रोटेक्ट प्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान. तो अब स्ट्रेट अवे हम लोग देखिए, ये जो चीजें हैं ये टाइम डिसाइड करती है, बिकॉज नया लॉ है. अब सबसे बड़ी चीज है कि 2017 के अंदर जीएसटी आता है, 2016 में आईबीसी आता है. अब ये दोनों इकोनॉमिकल ड्रिवन लॉ है और बहुत सारे अमेंडमेंट्स आती हैं, ये धीरे धीरे ये सारी चीजें अपना आप ही रेशनलाइज होंगी. जैसे कि सेक्शन 53 में, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि यस, ये सीक्वेंस में थोड़ा नीचे आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं, तो नेचुरली गवर्नमेंट ड्यूज है थोड़ा सा इनको बाद में मिलता है. सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी बैंक्स है, जो भी इन्होंने कंपनीज एंटिटीज को फाइनेंस किया है, पहले ड्यूज उनको मिलता है.
लेकिन एक वर्ड में जरूर बोलूंगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन अपने आप ही इंटरचेंजेबल वर्ड है, तो इंश्योरेंसी का मतलब बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। इसको अगर लॉ को डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे रेजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी कोड, दैट वुड बी मोर बेटर, बिकॉज हमें रेजोल्यूशन बताना है लोगों को। जैसे हम बोलते हैं इंश्योरेंसी, अपने आप में यू नो द वर्ड अपने आप में नेगेटिव साइड में जाता है कि यस दैट एंटिटी हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो कुछ एक चीजें हैं जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं यही बताना चाहूंगा कि अमेंडमेंट विल टेक कोर्स, यस टाइम टू टाइम ये डिसाइड होती चली जाएंगी। अब पहले 1 लाख के था डिफॉल्ट, आज 1 करोड़ का है, यस गवर्नमेंट शुड थिंक, मैं भी इस बात को सपोर्ट ही करता हूँ कि गवर्नमेंट उसके अंदर डिसीजन ले कि यस डिफॉल्ट अमाउंट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उसको कम करना चाहिए ताकि एमएसएमई भी इस सेक्टर में आए, क्योंकि एमएसएमई के जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद अपने आप रेजोल्यूशन प्लान को प्रपोज कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है एमएसएमई के लिए जी। तो ये सेक्टर है, धीरे धीरे इन अमेंडमेंट्स धीरे धीरे जो डिफिकल्टीज आएंगी, यस गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉल और आईबीपीआई टाइम टू टाइम सर्कुलर निकाल ही रहे हैं जी। जस्टिस मुकुल शरावत, दो फिर अगर ये हम छोड़ दें अगर समय पर, तो भी मुझे लगता है कि आईबीसी की यदि बात करें आज की तारीख में जो व्यवस्था हमारे पास है उसमें भी कई बार देखते हैं हम कि टाइमलाइन पर कोई जोर नहीं है, जबकि इसके लिए दो शायद मैं दो समस्याएं मुख्य मानती हूँ। एक तो आईबीसी की बेंचेस भी कम हैं जिसमें वक्त जिसकी वजह से वक्त पर सुनवाई नहीं हो पाती है, और अब तो सरकार भी एनसीएलटी में नियुक्तियां करने लगी है, वो एक अलग मसला है। उसके अलावा जो जो टाइमलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं आईबीसी के अंदर भी, उसकी वजह से भी जो प्रमोटर हैं या लेनदार हैं उन दोनों के जो हित है प्रभावित होते हैं। क्या आपको लगता है कि इसको सुलझाने के लिए एक खास तरह का रास्ता, एक खास तरह की सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा? बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि एक ये बहुत ही हमको कॉन्शियस एफर्ट्स और एक ड्राइव लेना पड़ेगा, एक बहुत ही मोटिवेटेड ड्राइव लेना पड़ेगा जजेस जो काम कर रहे हैं, एक एंथुजियाज के साथ इस प्रेजेंसी को खत्म करना है। जहां तक अभी जो इस पैनल में सब लोगों ने एक चीज कहा कि टाइम वॉज द एसेंस फॉर इंसॉल्वेंसी मैटर्स, अब एक रिजोल्यूशन प्लान आ जाए जिसमें कि फाइनेंशियल आउटले एक स्ट्रक्चर दिया गया है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, और वो मान लीजिए 1 साल तक रिजोल्यूशन प्लान हमारा अप्रूव ना हो सीओसी के सैंक्शनिंग के बाद, तो वो जो सारे फाइनेंशियल आउटले सारे अरेंजमेंट समटाइम्स उनको वन टाइम पेमेंट्स करने पड़ते हैं वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि टाइम गैप की वजह से जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है जो कि किसी कंपनी के जो डेटर कंपनी है उसको रिऑर्गेनाइज करने के लिए उसने अपने एफर्ट्स करे हैं वो सब टाइम बाउंड मैनर में अगर कॉर्पोरेट डेटर को नहीं रिवाइव कर पाया तब तो सारे बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाता है। तो आई एग्री कि टाइम तो लिमिटेशन को तो बहुत ही सीरियसली और एक नेशन वाइड ड्राइव करना लेना पड़ेगा कि रिजोल्यूशन प्लान्स को सबको बहुत ज्यादा पेंडिंग है, आई एग्री विद यू। और इसमें देखिए अभी अब एक बहुत सी चीजें आ गई, आई वॉन्ट टू से दैट यू सी दैट द जजेस आर रिटायरिंग, द जजेस अपॉइंटमेंट समटाइम्स इट इज फॉर 5 ईयर्स इन बिटवीन, एक ऐसी भी फेज थी जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर में 3 ईयर्स का ही उनको टेन्योर दिया गया था जी। तो ये सब अगर हम अब थ्रू रिट सीनियर एडवोकेट जो है उन्होंने रिट भी दाखिल किया मिस्टर प्रदीप राय ने, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 मंथ्स में रीअपॉइंटमेंट की बात करी, वो तो भी ऐसे ही रह गया। अब हम दोबारा से सोचते हैं कि अब जुलाई में आपको मैं कहना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ जुलाई में फिर वैकेंसीज हो जाएंगी 8 to 10 वैकेंसीज हो जाएंगी वैसे हम शॉर्टेज में। तो वो जजेस जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया 4-5 ईयर्स का, उनको 65 ईयर्स एज नहीं है, अगर वो रिटेन कर लिए जाए फॉर एटलीस्ट जब तक नए अपॉइंटमेंट हो तभी तक 6 months 1 year के लिए उनको करते हैं, और तब तक आप नया सिलेक्शन प्रोसेस इंप्रूव कर लें तो भी हम लोग जो हैं
ये जो पेंडेंसी है वो सबको कवर अप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक बात जो एमएसएमई के लिए मिस्टर गुप्ता ने दो तीन इश्यूज उन्होंने बहुत अच्छे रेज करे और उसके ऊपर वी हैव टू गिव आवर सीरियस थॉट। अब 1 लाख तो बहुत छोटी लिमिट थी और उसको 1 करोड़ करने का एक रीजन तो ये था कि हम लोग कोविड से इफेक्टेड थे, दूसरा 1 लाख पर इतने ज्यादा केसेस हो रहे थे कि हमारा आवर कॉरिडोर्स एनसीएलटी कॉरिडोर्स पर फ्लडेड विद ऑपरेशनल टेस्ट, तो अब उसको कैसे कवर करें। तो आई थिंक इट इज दिस क्वेश्चन इज टू बी एड्रेस्ड। सेकेंडली एक बात और होने चाहिए कि वॉटरफॉल मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ड्यूज नीचे आते हैं। थर्डली जो है जो एमएसएमई स्मॉल डेटर्स हैं अब वो कहाँ जाए अपनी रिकवरी के लिए, तो ये सारे इश्यूज जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें आज ऑल आर वेरी अलार्मिंग सिचुएशन एंड हैज टू बी एड्रेस्ड अर्लीस्ट पॉसिबल। दिस इज व्हाट आई कैन से। बिल्कुल कमल साहब, लेकिन केवल हम जब बात अभी तक कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कहीं छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी की बात हो रही है और उनके जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स की अगर मैं बात करूं उनसे जुड़ी हुई एक अलग समस्या है। वो है कि ज़्यादातर रिटेलर्स कैश में डील करते हैं, अब अगर छोटे रिटेलर जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं, जो अक्सर वो नहीं लेते हैं, तो जीएसटी रिटर्न भी कैसे भरेंगे, और जिससे कि नुकसान सरकार का भी होता है और बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हमारे यहाँ रिटेल का मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। अब एक अगर एक अनुमान लगाकर हमें बता सकें कि कितने का गड़बड़ इस तरह से हो रहा है, और अगर इस पर नज़र रखने की क्या कोई प्रक्रिया है कि जीएसटी नंबर हर किसी को लेना सुनिश्चित किया जा सके, जैसे पैन नंबर है या बाकी चीज़ों के लिए जैसे आधार कार्ड है, क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह से भी कोई व्यवस्था बनाई जा सकेगी? राजश्री जी, इसमें मैं आपको एक चीज सबमिट करना चाहूंगा कि जीएसटी की जो चेन है उसमें आप देखते हैं कि पहले माल मैन्युफैक्चरर से इशू होता है, मैन्युफैक्चरर जिस प्राइस पर गुड्स सेल करता है वो उस वक्त टैक्स देता है, उसके बाद वो माल उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर उस प्राइस के ऊपर टैक्स देता है और मैन्युफैक्चरर के टैक्स का क्रेडिट लेता है, उसके बाद वो रिटेलर के पास आता है। तो ये जो आपने कहा जो छोटे रिटेलर है वो क्रेडिट जो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं और रिटर्न नहीं फाइल करते, तो सरकार का नुकसान जो इसमें है वो रिटेलर के मार्जिन तक है, क्योंकि तो उससे पहले की स्टेजेस तक का टैक्स उसको ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो और इसमें भी मैं कहूंगा काफी जागृति अब आ चुकी है, बहुत सारी जो कारपोरेट्स है जो रिटेलर से सामान लेते हैं, लेट से अगर आप देखें कि कोई छोटे शहर में कोई रिटेलर है और वहीं पर एक कंपनी है जो उस रिटेलर से कोई स्टेशनरी लेती है या अपने कोई बिजनेस में आने वाली चीज इस्तेमाल लेती है, तो रिटेलर को बोलते हैं कि आप इसका मुझे इन्वॉइस दीजिए ताकि मैं इसका क्रेडिट ले सकूं। जी जी, तो इसमें काफी हद तक सुधार हो गया है जी, लेकिन कमल जी यहाँ पर ये भी है कि जो जीएसटी है, जैसा कि गुप्ता जी ने भी ये मामला उठाया था कि जीएसटी का जैसे पूरा जो साइकिल है वही नहीं पूरा हो पाता, अक्सर जो उपभोक्ता है उसको बिलिंग की पूरी रकम नहीं मिलती है और उसे जीएसटी देना पड़ेगा। अब इन हालातों में कैसे बिल के पेमेंट को सुनिश्चित कैसे करें, क्या फिर वही रास्ता कि हम जाके अपील में जाएं, फिर वापस हम ये पूरे चक्र को घूमें और उसके बाद हमें पता नहीं कि कब ये हमें समाधान मिलेगा? गुप्ता जी ने बहुत वैलिड एक पॉइंट बताया जो कि एमएसएमई सेक्टर छोटे व्यापारियों के लिए बहुत रेलिवेंट है, और इसका जो हल है हमारे पास अगर आप जाने पहले जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो सर्विस टैक्स की पेमेंट हमें तब करनी पड़ती थी जब हमें अपारी सर्विसेज की पेमेंट रिसीव हो जाती जी। मैं अगर किसी को इनवॉइस रेज करता हूँ और आज अगर जीएसटी की बात करें तो मैं अपनी ऑडिट फीस का बिल रेज करता हूँ, टैक्स कंसल्टेंसी का बिल रेज करता हूँ और मुझे अगले महीने की 20 तारीख को उसका जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। हो सकता है क्लाइंट मुझे तब तक वो पैसा दे या हो सकता है वो ना दे, लेकिन जीएसटी मुझे अपनी जेब से देना पड़ता है और ये एक डबल नुकसान हो जाता है क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को पैसे भी दिए हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा भी दिया है और मैं जीएसटी भी दे रहा हूँ। सर्विस टैक्स रिजीम में ऐसा था कि जब भी आपको पेमेंट मिलेगी तो उसके बाद आपको देना है, तो सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आपकी पेमेंट बेसिस पर थी जी।
तो वही अगर एमएसएमई के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए ऐसा मैकेनिज्म सरकार लाए तो वो समस्या जो गुप्ता जी कह रहे हैं वो हल हो सकती है, और जब उनको पेमेंट रिसीव होगी उसके बाद ही उनको टैक्स देना होगा। जी एमएम गुप्ता जी, एक और सवाल आपसे, जीएसटी काउंसिल की कार्य प्रणाली को आप फाइनली कैसे देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी है कि राज्यों ने तो इसे ऐसे संवैधानिक टकराव का केंद्र मान लिया है और कहा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होनी चाहिए, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बदले आज हम कुछ और देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे केंद्र की दादागिरी मानता है। आमतौर पर जो पोजिशन है वो कहता है कि नहीं, ये तो केंद्र दादागिरी कर रहा है। काउंसिल के फैसले को मैंडेटरी क्यों न बनाया जाए, ये भी एक सवाल है। ये पूरे जीएसटी काउंसिल के जो कार्य प्रणाली है उसको कैसे आंकेंगे आप, कितना क्या रेटिंग देंगे? नहीं राष्ट्रीय जी, देखिए जैसे आपने भी कहा कि ये शायद थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, और मैं शायद इस पे बहुत कुछ कमेंट करना शायद उचित नहीं समझता, या मैं शायद सक्षम नहीं हूँ इस चीज के लिए कहने के लिए कि जो सरकार काम कर रही है या जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो एक जीएसटी काउंसिल है जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, वो ठीक काम कर रही है नहीं, शायद ये मेरे दायरे में नहीं आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार कोशिश जी कमल जी से पूछूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन जब भी एक पूरी कमेटी है, बहुत सारे लोग हैं, अलग स्टेट का अपना अलग इशू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अपने कुछ और इशू हो सकते हैं, उन सबके जो समन्वय से जो भी डिसीजन होंगे मैं समझता हूँ वो ठीक है। पर हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जैसे जीएसटी की में कि जीएसटी कोई जिसने बिल रेस किया, जैसे कमल जी ने भी कहा कि उन्होंने बिल रेस कर दिया अब जीएसटी पेमेंट मिला नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी तो किसी भी हालत में जो बिल रेस कर रहा है उसकी लायबिलिटी है ही नहीं। जीएसटी जो लायबिलिटी है उसकी है जो हमारा बायर है जिसके अगेंस्ट हम बिल इशू कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी है, उसके लेना है सरकार को कि हम हमारे ऊपर जो ये दंड एक तरह से लग रहा है जिसने सर्विस दे दी है या जिसने कोई गुड सप्लाई कर दिया है उसके ऊपर जो पेनल्टी उसकी उसका उसका लायबिलिटी नहीं है ये जीएसटी के करना, उसकी लायबिलिटी है जो उसको बिल रेज किया गया उसके ऊपर जो बिल पर जो जीएसटी है वो उसको पे करनी है। लेकिन जहां जो दूसरे जो बायर को जो पे करना है जीएसटी सरकार के लिए, हम तो केवल एक टैक्स कलेक्टर हैं सरकार के लिए, हम टैक्स कलेक्ट करके हम दे रहे हैं, जमा करना है, और वो हमसे कहा जाए कि नहीं अगर आपका बायर नहीं दे रहा तब भी आपको ये देना है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है एमएसएमई के लिए, खास तौर से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में एक फ्री पैकेज जो एमएसएमई के लिए जो एक नया एक प्रावधान आया है वो भी शायद एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी शायद बहुत ज्यादा केसेस अभी सक्सेस नहीं हो पा रहे या लोग फाइल नहीं कर पा रहे, उसमें भी शायद कुछ करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि प्री पैकेज में भी पहले ये है कि जो फाइनेंशियल ब्रेकर्स हैं वो तैयार हो जाएं, उनका तैयार होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो तो एक तरह से ओटीएस है, मैं समझता हूँ कि जो ओटीएस में वन टाइम सेटलमेंट में जहाँ पर बैंक तैयार होंगे वही शायद ये प्री पैकेज की बात चलेगी, इसके अलावा जो ऑपरेशन क्रेडिटर्स हैं अगर प्री पैकेज करेंगे एमएसएमई तो उनको 100% देना पड़ेगा, या अगर हम ये कहें कि उनको एमएसएमई को ये भी डर रहता है कि भाई हम अगर यहाँ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में चले जाएं इस प्री पैकेज में तो एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो ऑनरेबल शरावत साहब ने भी बताया कि भाई जो प्रोसेस है वो जिस तरह हम देख रहे हैं, खासतौर से मैं समझता हूँ कि कोविड भी शायद इसके लिए एक जिम्मेदार है क्योंकि जो फिजिकल जो हियरिंग हो रही थी वो ना होने की वजह से जो अब ये ऑनलाइन जो हियरिंग होती है वो भी शायद जी, बिल्कुल, लेकिन बड़ा कारण हो सकता है जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जी जी खत्री साहब आप जरूर इस पर बोलना चाहेंगे कि मुझे लग रहा है कि ये तमाम समस्याओं के पीछे एक और बड़ी समस्या है और ये अब कमी है जिसको कहा जाए कि हमारे पास बेंचेस की कमी है, स्टेट बेंच के जैसी बात आपने उठाई, जीएसटी के लिए जो स्टेट बेंच हैं उनकी कमी सख्त तरीके से है, और मार्च 2022 को मैं देख रही थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य में जीएसटी ट्राइब्यूनल की राज्य बेंच और एरिया बेंच की स्थापना न होने के कारण गंभीर स्थिति बनी हुई थी, ये अदालत ने साफ तौर पर कहा था। ऐसे में जो 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 टैक्स पेयर्स हैं या जो कंपनीज हैं उनके फंड भी ब्लॉक हो रहे थे, टैक्स पेयर को न्याय नहीं मिल रहा था, आज की तारीख में बात करूं तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, किस तरह से इस समस्या को आप देखते हैं? सुंदर खत्री, एक्चुअली देखिए हम लोग पिछले दो साल से जितनी भी वीसी हेयरिंग कर रहे हैं जी,
फ्रेंकली स्पीकिंग हमें बिल्कुल खास हियरिंग नहीं मिल पाती है. द रीजन, इसके बहुत बड़े रीजन है, हमने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हियरिंग करने का मतलब आप समझते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग लैक कर जाते हैं इन स्पीकिंग आल्सो अदरवाइज आल्सो. अब ये फिजिकल हियरिंग होना तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी भी है. अब आती है बात, ये जो चीजें एक साथ हुई है, सारी चीजें देखिए एक साथ चली है, जीएसटी का आना, आईबीसी आना, कोविड आना, ये सारी चीजें एक साथ आने से एक जबर सा क्रिएट हो जाता है. अब ये चीजें ऑटोमेटिकली रैशनलाइज करेंगी, जैसे कि अभी आपने एक और जिक्र किया था कि जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, देखिए हर स्टेट का उसके अंदर मेंबर है, फाइनेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर उसका हेड होता है, जो जितने भी अभी तक डिसीजन जीएसटी में लिए हैं बेसिकली कई सारे अभी तक देखिए बड़े रैशनलाइज हुए हैं सारे के सारे डिसीजन, इतने कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए हैं कोर्ट के अंदर भी. तो ये एक एक ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लिटिगेशन मल्टीप्लाई नहीं हुई है इस दौरान इस तरह की जी, जो डिसीजंस को लेके. तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूँ टाइम अपना भी इन चीजों को रेशनलाइज कर रहा है और आई थिंक करता चला जाएगा, और फिजिकल हियरिंग एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टेड कि कभी भी स्टार्ट हो जाए तो और भी अच्छा है. और स्टेट बेंचेज आ जाएंगी तो कुछ और सुविधाएं होंगी. एब्सोल्युटली, कम से कम आज के टाइम में देखिए कोई भी लिटिगेशन में कोई शो कॉज नोटिस आता है तो हमारे पास कहाँ चैलेंज करेंगे हम, जाके फिर से हाईकोर्ट को ट्रबल देते हैं, हाईकोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन. जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का. इसमें कोई शक नहीं कि आप चारों ने जिस तरह से इस पूरे उलझे हुए मामले को हमारे दर्शकों के लिए बहुत स्पष्ट किया है, वो न केवल हमारे दर्शकों की बात ये समझ में आई होगी बल्कि वो तमाम टैक्स पेयर्स जो कि जीएसटी के कानून से लेकर तमाम और मसलों में उलझे हुए हैं, उन्हें बहुत हद तक ये बात तो समझ में आई होगी कि ये समस्या आखिर शुरू कहाँ से हुई है और इस समस्या को हल करने की सबसे आसान उपाय क्या हैं. हालांकि एक जो मूल बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव कोशिश करने की ज़रूरत है, कलेक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है, न केवल सरकार की तरफ से बल्कि तमाम जो उद्योगपति हैं, तमाम जो करदाता हैं उन्हें भी इसको लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और साथ ही अदालतों को या उन तमाम ट्राइब्यूनल्स को जो इसके हल के लिए आगे आई हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो मामलों का निपटारा वक्त से करें. और अगर समय पर निपटारा करना है समस्या का तो उसके पीछे एक बहुत मजबूत संगठन बनाने की ज़रूरत है, इस बात की ताकीद तो इस बहस से ज़रूर होती है. और साथ ही वक्त, अभी ये चूंकि कानून ये नया है, ये व्यवस्था नई है और अभी हम धीरे धीरे इन चीज़ों को इवॉल्व कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द इन तमाम जो खामियां हैं उनको दूर करके हम एक आदर्श व्यवस्था की ओर बढ़ जाएंगे और करदाताओं को परेशानी कम बल्कि खुशी ज़्यादा होगी. इसी उम्मीद में आज इंडिया लीगल में इतना ही. नमस्कार.